वो कहते हैं ब्रिक्स स्टोरी ने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया था। तो वो क्या था कि एक्सपेरिमेंट पे था और रिसर्च वर्क पे था। मतलब जो भी आपका खनकी वियर पहले बना था, कहीं पे वियर बना था खनकी वियर, ठीक है। तो ये वियर जो था वो क्या हुआ था कि एक्सपीरियंस या इंट्यूशन पे बनाया गया था, तो वो क्या हुआ था कि फेल कर गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्लिक्स ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, रिसर्च वर्क किया, और उसके बाद उसने क्या हुआ कि अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया या थ्योरी बनाया। इसी को हम कहेंगे कि ब्लिक्स फिफ्थ थ्योरी फॉर सीपेज फ्लो। अब सीपेज फ्लो के लिए ब्लिक्स का फिफ्थ थ्योरी इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो ब्लिक्स थ्योरी क्या है आपको समझ में आ गया है। अब ब्लिक्स थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लिक्स फिफ्थ थ्योरी फॉर सीपेज फ्लो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स थ्योरी द परकोलेटिंग वाटर फॉलोज द आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो ब्लिक्स थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो भी पानी परकुलेट कर रहा है, आपका जो परिवेश, जो भी आपका सॉयल है, ठीक है, उसे पानी जो परकुलेट कर रहा है, जो आपका बेस ऑफ फाउंडेशन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, उसे वो पानी परकुलेट कर रहा है, तो वो क्या है कि एक वो आउटलाइन को फॉलो करता है, जो भी एक लाइन है उसको वो फॉलो करता है। इन अदर वर्ड्स वाटर क्रीप्स अलोंग द बॉटम काउंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। पानी क्या होता है कि क्रीप करता है, मतलब तो घुसने की कोशिश करता है कहाँ से, आपका बॉटम कॉर्नर, स्ट्रक्चर के बॉटम कॉर्नर से वो घुसने की कोशिश करता है। द लेंथ ऑफ द पाथ दस ट्रेवर्स बाय द वाटर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द क्रीप। अब जो पाथ पानी पूरा फॉलो करता है, मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड तक जाने में, स्ट्रक्चर के नीचे जो भी पानी है या पानी का पार्टिकल्स है, वो एक पाथ फॉलो करता है, ठीक है। तो जो पाथ का लेंथ होता है उसी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ द क्रीप। अब क्या हो रहा है कि पानी क्रीप कर रहा है, तो हम जो पाथ उसने फॉलो किया उसको हमने कहा लेंथ ऑफ द क्रीप, ठीक है। फर्दर इट इज अज्यूम्ड इन दिस थ्योरी दैट द लॉस ऑफ हेड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द क्रीप। अब क्या है कि अब जितना हेड लॉस हो रहा है, हेड लॉस क्या हो रहा है कि पानी का जो हेड था अपस्ट्रीम साइड में और डाउनस्ट्रीम साइड में, तो जितना हेड लॉस हुआ उसी को हम क्या कहेंगे कि मान के चलेंगे कि जो लॉस ऑफ हेड हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आपका लेंथ ऑफ द क्रीप के, वो प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि जितना आपका, मान लीजिए आपका जो हेड था आपका अपस्ट्रीम साइड में, अब पानी क्या हुआ कि आपका डाउनस्ट्रीम साइड में चला गया, तो जितना हेड लॉस हुआ वो किसके, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इफ एच एल इज द टोटल हेड लॉस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड एल इज द लेंथ ऑफ द क्रीप। अब क्या है कि एच एल जो आपका है, एच एल हमने कहा क्या कहा, लॉस, टोटल हेड लॉस किसमें, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड में कितना हेड का लॉस हुआ उसको हमने एच एल से डिनोट किया, कैपिटल एच एल से, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्रीप है, कैपिटल एल, ठीक है। देन द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द क्रीप, ठीक है, जो भी आपका लॉस ऑफ हेड हुआ एच एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, ठीक है, मतलब टोटल आपका हेड लॉस डिवाइडेड बाई क्रीप लेंथ, ठीक है, या लेंथ ऑफ द क्रीप, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हुआ कि आपका जो टोटल हेड लॉस हुआ अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड जाने में, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसमें जो भी क्रीप लेंथ, वाटर ने जो भी एक लेंथ मतलब एक पाथ को वो ट्रैवर्स किया था पानी ने, ठीक है, तो जो पाथ उसने ट्रैवर्स किया, ठीक है, उसी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ द क्रीप, ठीक है। तो एच एल मतलब आपका टोटल हाइड्रोलिक, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हुआ, टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाई आपका लेंथ ऑफ द क्रीप हुआ, ठीक है, इसका हम बात करेंगे। अब क्या है कि जो भी ये ग्लिक्स ने था उसने हॉरिजेंटल या वर्टिकल क्रीप में किस टाइप का भी अंतर नहीं बताया था, ठीक है। और आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हुआ कि आपका टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ द क्रीप हुआ, ठीक है। अब चलिए आपको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको समझाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं हमारा क्या है कि ये आपका बेसिन साइड है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि अपना एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, हमने जो भी डैम है वो ये हमने यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है कि डाउन स्ट्रीम साइड, वो पिस्टन हुआ, ये और ये हमारा डाउन स्ट्रीम साइड हुआ। ठीक है, ठीक है। देखिए पानी मान लीजिए आपका, ये पानी का पाथ है, यहां से पानी ने परकुलेशन करना चालू किया, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, जैसे जैसे पानी आपका परकुलेट कर रहा है, ठीक है, फिर ये पानी यहाँ तक आया और फिर ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसके नीचे से पानी, पानी ऐसे लेंथ, फिर पानी ऐसे गया, फिर पानी आपका ये पास ट्रैवर्स किया, फिर आपका ये स्ट्रक्चर के नीचे से ऐसे गया, फिर पानी क्या है कि ऐसे ऐसे करके लेंथ आपका ट्रैवर्स किया, ठीक है। और फिर फाइनली पानी जो है यहाँ से फिर ऐसे करके ये लेंथ ट्रैवर्स किया, और फिर पानी फिर ऐसे गया, तो फाइनली ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड का पानी आपका चला गया, ठीक है। तो अब इसने पानी ने जो लेंथ ट्रेवल किया, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रिप की अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ ट्रिप, ठीक है, तो किसके बराबर होगा आपका लेंथ ऑफ ट्रिप, तो यहाँ से पानी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से डी वन गया, फिर यहाँ से फिर आपका फर्दर डी वन गया, यानी कि आपका डी वन प्लस डी वन। फिर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है आपका एल वन है, तो डी वन प्लस डी वन प्लस एल वन, यहाँ तक फिर पानी पहुंचा, फिर यहाँ पे क्या है कि डी टू गया, फिर यहाँ पे ये डी टू गया, ठीक है। तो प्लस डी टू प्लस डी टू प्लस, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये एल टू डिस्टेंस गया, तो प्लस एल टू गया, ठीक है, प्लस आपका ये डी थ्री गया, और फिर फर्दर डी थ्री गया, यानी कि डी थ्री प्लस डी थ्री गया, और फाइनली ये फिर डाउन स्ट्रीम साइड में पानी आपका पहुंच गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रिप आपका क्या हो गया, फिर टू डी वन, ठीक है, प्लस एल वन प्लस एल टू, ठीक है, प्लस टू डी टू प्लस टू डी थ्री, यानी कि आप फिर टू कॉमन ले लीजिएगा, तो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, ठीक है, प्लस एल वन प्लस एल टू, इतना पाथ पानी ने ट्रेवल किया, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करेंगे, आपका हाइड्रोलिक
ग्रेडियंट क्या होगा आपका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा आपका हेड लॉस, टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द क्रीज, ठीक है, लेंथ ऑफ क्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हेड लॉस कितना हुआ आपका, टोटल हेड लॉस मान लेते हैं हमारा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में एच एल हुआ डिवाइडेड बाय टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस। अब इस एल वन प्लस एल टू को हम यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है उसको हम एल मान लें, तो इसको हम डायरेक्ट एल लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस एल हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये एल को हम बी मान ले रहे हैं, स्मॉल बी मान ले रहे हैं अपना, जो भी विड्थ मान ले रहे हैं स्मॉल बी के बराबर, ठीक है। अब देखिए पानी जो है एच एल क्या है आपका, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का डिफरेंस है आपका, कहाँ से कहाँ तक है आपका अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम।